ये 55.57 किलोमीटर है। 55.57, हाँ 55.57 किलोमीटर है। 369 करोड़। हाँ इसमें पुल, लैंड एक्विजिशन जो भी है। लंबाई क्या था सर? 55.57 किलोमीटर। 11वां प्रस्ताव है, खाद्य आपूर्ति विभाग का है, जिसमें पूरे राज्य में जितने केरोसिन ठेला वेंडर हैं उनको जन वितरण प्रणाली दुकानदार के रूप में अनुज्ञप्ति देने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार पूरे में 2749 ठेला वेंडर हैं पूरे राज्य में। 2749 इन सभी को अब पीडीएस दुकानदार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि ठेला वेंडर की अनुज्ञप्ति खत्म करके इनको परिवर्तित कर दिया जाएगा पीडीएस, इसमें और पीडीएस डीलर जो देते हैं उसी तरह से इनका भी काम हो। 2749। पीडीएस दुकानदार कहाँ आएंगे? हाँ पीडीएस माने इनको आप दुकान कहीं लेके, क्योंकि केरोसिन का आवंटन कम हो गया, इनको वायबिलिटी नहीं रही। अच्छा, तो इनके संघ ने विभाग में प्रस्ताव दिया कि इनको अब चूंकि हाँ कोई लाभ नहीं रहा है तो उसको अब उनके यथासंभव जो उनके आसपास के जो पंचायत जो क्षेत्र हैं वहीं उनको अब उनको पीडीएस का दुकानदार बना के उनको जैसे और पीडीएस के दुकानदार हैं उसी तरह से उनको यूनिट आवंटित की जाएंगी। बारवां है, झारखंड माल एवं सेवा अधिनियम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 पहले से पारित है, उसके विभिन्न धाराओं के तहत जीएसटी जो स्टेट जीएसटी है, झारखंड जीएसटी 2017 एक्ट पहले पारित हो चुका है, उसकी विभिन्न धाराएं हैं, जैसे धारा 1, 2, 3, 4, 5 जो विभिन्न धाराएं हैं वो कब से लागू होंगी, वो अपॉइंटेड डेट 22 जून होगी, उसकी स्वीकृति दी गई 22 जून 2017। ये धाराओं के जो प्रोविजन हैं कब से लागू होंगे वो डेट जिसको अपॉइंटेड डेट बोलते हैं वो 22 जून अपॉइंटेड डेट होगी, उसकी स्वीकृति दी गई। वो जो लागू है उसका हो जाएगा, ऐसे तो लागू होगा 1 लाख जुलाई से होगा, जब एक्ट पास किया है तो उसमें डेट नहीं था, तो में डेट नहीं था, हाँ अपॉइंटेड डेट नहीं था, डेट कर दिया कि 22 तारीख से राज्य में हो गया, वो 1 जुलाई से लागू माना जाएगा। इसी तरह से एक्ट पहले पारित हो गया था उसकी नियमावली आज पारित हुई है, झारखंड माल एवं सेवा कर नियमावली 2017। पहले एक्ट था वो सेंट्रल एक्ट था, उसके तहत नियमावली बनाने का प्रावधान था, तो सरकार के द्वारा आज नियमावली के गठन पर प्रस्ताव दी स्वीकृति दी गई। एक से उसके उससे पहले ये सब लीगल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तैयारी हो रही है उसके लिए। जैसे इसमें ये भी है ना कि रजिस्ट्रेशन कराना है मान, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, पोर्टल कौन सा होगा, उस पोर्टल को आज सूचित कर दिया गया है। चौदवा फिर पथ निर्माण का है, तेरवा तो ये था ना, बारवा और तेरवा दोनों जीएसटी, तो ये जीएसटी का ही नियमावली है, बारवा उसका, बारह और तेरह दोनों इसके थे। चौदह हो गया पथ निर्माण, इसमें साहबगंज जिला में भोगलापाड़ा से फरीदपुर, भोगलापाड़ा से महाराजपुर होते हुए फरीदपुर पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक जाती है सड़क पुल, हाँ फरीदपुर, ये 10.86 किलोमीटर लंबाई है इसकी, हाँ और इसके 30.44 करोड़ की
लागत की स्वीकृति दी गई। पंद्रवा है, ये भी पथ निर्माण का है, जिसमें बांध डी से गोपीनाथपुर होते हुए, बांध डी से गोपीनाथपुर बोकारो जिला, बोकारो जिला में बांध डी से गोपीनाथपुर से बेलडी होते हुए पिरगुल, हाँ बेलडी होते हुए पिरगुल, कुल लंबाई 41.325 किलोमीटर, 41.325 किलोमीटर, और इस पर कुल लागत की स्वीकृति है 80 करोड़ 18 लाख, 80 करोड़ 18 लाख 15 हजार। सोलहवा भी सड़क है, दुमका जिला के अंतर्गत चकलाता से मालपाड़ी, चकलाता से मालपाड़ी, कुल लंबाई 12.825 किलोमीटर, कुल लागत 30.98 करोड़। बारह दशमलव आठ दो पांच किलोमीटर। 17वां है, लोहरदगा बाईपास की स्वीकृति हुई है, जिसमें लंबाई है कुल 10.8 किलोमीटर। लोहरदगा शहर के लिए बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल लंबाई 10.8 किलोमीटर है, और इस पर 282.41 करोड़ का खर्च आएगा, 282.41 करोड़। हाँ, 18वां है, 18वां और अंतिम, ये भी पथ निर्माण का है, जिसमें सिमडेगा जिला के अंतर्गत पालकोट से रोकोडेगा होते हुए बिलिंगबेड़ा, हाँ पालकोट से रोकोडेगा होते हुए बिलिंगबेड़ा पथ, बिलिंगबेड़ा, कुल लंबाई 38.5 किलोमीटर, और इस पर कुल खर्च आएगा 84.56 करोड़। ना आज स्थगित, हाँ संक्षेप में एकदम कर देते हैं, बताओ क्या क्या करना है संक्षेप में। पहला कर देंगे रीजनल कनेक्टिविटी, है प्ले स्कूल वाला, प्ले स्कूल, लोहरदगा बाईपास, कुल सड़कें, कुल कितने की सड़कें और कितने राशि, रीजनल कनेक्टिविटी और तेल वेंडर वाला, ठीक। जीएसटी तो मतलब बहुत माइन्यूट टेक्निकल, जीएसटी नहीं है, अब वो नियमावली है जीएसटी की, तो वो कहा जा सकता है, लेकिन आजकल सब जीएसटी पड़ रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी, ठेला वेंडर, प्ले स्कूल, जो भी अब जैसे होगा, जैसे रीजनल आपने के जो भी हमारे हैं, हाँ जो भी आपके, जैसे मान लो दुमका में कोई आ रहा है, बोकारो में कोई आ रहा है, उसके लिए इसके पहले एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था, जिसमें डीआरडीओ, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और झारखंड गवर्नमेंट के साथ, उसमें ये शर्त थी कि हम लोग उसको बढ़ावा देने के लिए सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति भी हो, उसी के तहत ये आज किया गया है।
आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 18 प्रस्ताव रखे गए जिन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग का है जिसमें एयर कनेक्टिविटी को ग्रामीण क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, जिसको रीजनल कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन करने के लिए जो हवाई अड्डे होंगे उनको 50% सस्ती दर पर बिजली राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, इस प्रस्ताव पर स्वीकृति हुई है। दूसरा प्रस्ताव आज महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग का था जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल होती हैं नर्सरी या प्रेप, वो स्कूलों के नियंत्रण के लिए उनके रेगुलेशन के लिए झारखंड स्टेट प्ले स्कूल रूल्स 2017 के गठन पर सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिससे ये जिसमें प्रावधान है कि जो बच्चों के अधिकार हैं वो कैसे संरक्षित रहें, कोई भी प्ले स्कूल है तो उसको कैसे रिकॉग्निशन प्राप्त होनी है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, बच्चों को कोई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती है, बच्चों को किस तरह रखा जाएगा, उस संबंध में नियमावली का आज गठन हुआ है। आज एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जिसमें राज्य के करीब 2749 केरोसिन ठेला वेंडर थे, उन सबको सरकार के द्वारा उनको पीडीएस दुकानदार के रूप में परिवर्तित करते हुए उन पर अनुज्ञप्ति दी जाएगी। आज राज्य के विभिन्न सड़कें करीब 205 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण है रांची से मुरी पथ जो 4 लेन होगा, और इसके साथ साथ लोहरदगा का बाईपास है जिसमें 10.8 किलोमीटर उसकी लंबाई है, उसमें करीब 282 करोड़ रुपये खर्च होगा। धन्यवाद। टोटल 205 के लंबाई जो सड़कों की है 205 किलोमीटर है और 1,005 करोड़ रुपया, लगभग 1,000 करोड़ रुपया की राशि किस